नमस्ते दोस्तों, मैं सुमन सुहान। हमारे YouTube चैनल में आपका स्वागत है। आज हम सीखेंगे कि घर पर कैसे बनाएं वेसलिन। सो हम बिना टाइम वेस्ट किए हुए सीख लेते हैं, आओ जल्दी से। तो इसको बनाने के लिए सबसे पहले चाहिएगा हमें एक बाउल, और बाउल में मैं एक मोमबत्ती लूंगी। उस मोमबत्ती को आप कैसी भी मोमबत्ती ले सकते हैं, रंगीन, सफेद, छोटी, बड़ी। आप जितना बना रहे हैं उसी के अनुसार आप मोमबत्ती को काट लीजिए। मैं नीचे से मोमबत्ती काट, मैं आधी मोमबत्ती को काट के थोड़ा सा ही बना रही हूँ। और उससे बाद ले रही हूँ मैं नारियल का तेल। आप कोई सा भी नारियल तेल ले सकते हैं, मैंने यहाँ ये नारियल का तेल लिया है, और मैं 2 चम्मच नारियल का तेल डाल दूंगी इसमें। और उसके बाद मैं डाल रही हूँ ग्लिसरीन, जो कि ग्लिसरीन भी बहुत कामयाब होता है हमारे लिए सर्दियों के दिनों में। और 1 चम्मच भर के मैं यहाँ इसमें डाल रही हूँ ग्लिसरीन। मैंने नारियल के तेल से आधा ग्लिसरीन लिया है, और अब मैं इसको गर्म कर तो देखिए ये हमारा पूरी तरह से पिघल चुका है। तो देखिए मैंने ये अच्छी तरह से पिघल गया है, और अब मैं एक डिब्बे में निकाल के रख लेती हूँ। आप किस तरह की भी डिब्बी ले सकते हैं, देखिए इस प्रकार की मैं इस डिब्बी में स्टोर करके रख रही हूँ। और अब हमें रूम टेम्परेचर पर इसे कुछ देर के लिए ठंडा होने के लिए रख लेना है, ताकि हमारा ये वेसलिन तैयार हो जाए, यानी कि ठंडा होके पिघल जाए, ठंडा होके जम जाए। तो देखिए दोस्तों, हमारे जो वेसलिन रूम टेम्परेचर पर ठंडा होने के लिए रखा था, ये देखिए इस प्रकार हो चुका है। मैं अपने आप हाथों पर अप्लाई करके आपको दिखा सकती हूँ। देखिए किस प्रकार से इसमें कोई जैसा है, कुछ भी नहीं, केमिकल नहीं है। ये फटी एड़ियों, दरारें पड़ी हुई, कटी हुई एड़ियों के लिए बहुत ही अच्छा है। ये बिल्कुल देखिए मार्केट जैसा लगा है, इसमें ज्यादा सामान भी नहीं लगा है। आप एक बार घर पर बनाकर जरूर ट्राई करें। एंड थैंक यू दोस्तों।